हरियाणा के केश कला और कौशल विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन यशपाल ठाकुर ने कहा कि किसानों के साथ कई दौर की बातचीत हो चुकी है और 8 जनवरी को फिर एक बार मीटिंग होनी है, जिसमें पूरी उम्मीद है कि इस समस्या का समाधान निकल आएगा। किसानों को आतंकवादी या खालिस्तानी कहे जाने के बारे में पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ गलत किस्म के लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, इसमें विरोधी दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। ये एक गंभीर समस्या है जिसके कारण इसका हल निकलने में देरी लग रही है। आपको बता दें कि वह आज करनाल के इंद्री के गांव मुरादगढ़ में आयोजित भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण शिविर में मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे थे। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि इस पहले सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपने 6 साल के कार्यकाल के दौरान गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए जो कार्य योजनाएं बनाई हैं, उनकी जानकारी विस्तार से कार्यकर्ताओं को दी गई, ताकि वे उनको पूरी तरह से जानकर जन जन तक पहुंचा सके। ठाकुर ने कहा कि भाजपा से पहले की सरकारों में लोगों के लिए जो योजनाएं बनाई जाती थी, उनका पूरा लाभ नहीं मिलता था। बीच के लोग या चापलूस लोग उनका फायदा खुद ही उठा लेते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही जनधन योजना के अनुसार पहले जनता के बैंक खाते खुलवाए गए ताकि उनको सभी योजनाओं का पूरा फायदा मिल सके। उन्होंने कहा कि पहले गरीब वर्ग के लोगों को अपनी बीमारी का इलाज करवाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, लेकिन अब आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपयों तक का इलाज इस योजना के माध्यम से फ्री में करवाया जा सकता है। क्या कार्यक्रम आज हरियाणा प्रांत में भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण वर्ग का शिविर आयोजन सारे हरियाणा के प्रांत में हो रहा है और उसी संदर्भ में इंद्री मंडल में आज यह प्रशिक्षण वर्ग का दूसरा दिन था और उसमें मुझे आज पहले सत्र में भारतीय जनता पार्टी के पिछले 6 वर्ष में जो गरीब व्यक्ति है, जो अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है, यानी कि गरीब और पिछड़े दलित वंचित लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या कार्य किए, उन्हीं विषय पर आज मैं यहाँ अपना वक्तव्य देने आया था। और भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान चलाया हुआ है कि जो पिछले 6 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किए, उन सभी योजनाओं को हम यहाँ से सुनकर गांव-गांव और लोगों के बीच में जाकर उसका प्रचार करें। तो प्रशिक्षण में क्या क्या बताया गया है? प्रशिक्षण वर्ग में जैसे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जनधन योजना लागू की, उसमें पहले क्या होता था कि जब भी किसी गरीब परिवार के लिए, गरीब लोगों के लिए कोई योजना लागू होती थी तो ऊपर से बीजेपी की सरकार से पहले जब 1 रुपया उनके खाते में डलता था तो उनके आते आते तक 10 पैसे बच जाते थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन योजना के अनुसार उनके खाते खुलवाए और जितनी उनको वहाँ से आर्थिक सहायता मिलती है वो पूरी की पूरी उनके खाते में आने का काम करती है, क्योंकि बीच में पहले चापलूस दलाल लोग उस आर्थिक सहायता दी जाती थी उसको खा जाते थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन सभी बुराइयों को दूर करके उनको पूरा लाभ मिल सके ऐसी योजना लागू करने का काम किया। उसी प्रकार से आयुष्मान योजना में क्या होता था कि जब भी गरीब परिवार का कोई व्यक्ति भयंकर बीमारी से पीड़ित हो जाता था तो उसका इलाज कराने के लिए उसके पास पैसे का अभाव के कारण बड़ी समस्या पैदा हो जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने इस गरीब परिवार को के जो भी कोई व्यक्ति बीमार हो जाता था उसको 5 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज करने की योजना बनाई और उसको जो कि वो व्यक्ति अपने परिवार के इलाज के लिए अपने गहने, बर्तन, ज़मीन बेचता था, उन लोगों की समस्याओं को छुटकारा दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये योजना लागू की। सर, जैसे किसान आंदोलन चला हुआ है तो कई दौर की बातचीत हो चुकी है, क्या दिक्कत आ रही है? बड़ी स्थिति गंभीरपूर्ण है, मतलब सरकार देखिए किसान लोग का अपना हक है, अपनी मांग भी करनी चाहिए, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने जितनी भी
उनकी मांग थी, हर बिंदु के अनुसार बातचीत करके उस समस्याओं को दूर करने का काम किया। और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की किसानों के साथ 7 या 8 बैठक हो चुकी हैं, वह सौहार्दपूर्ण रही हैं और उसमें हल निकलने का एक रास्ता भी बना है। और आने वाली 8 तारीख को फिर बैठक है, हमें पूरी उम्मीद है कि 8 तारीख को इस समस्या का हल हो जाएगा। तो क्या दिक्कत आ रही है इसमें किसी को? दिक्कत कुछ नहीं है। क्यों नहीं पसंद कर रहे इसको? किसान ये उनके हक में कह रहे हैं, वो हमारे हक में नहीं है, सरकार कह रही है अभी आपके हक में है, तो उसमें देखियो कई बार क्या होता है कि गलतफहमियां हो जाती हैं, उन गलतफहमियों को दूर करने के लिए समय लगता है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 8 तारीख को जो भी कोई गलतफहमियां हैं उनको दूर कर दिया जाएगा। कितनी दूर की बैठक होगी अब तक गलतफहमी? देखिए समस्या काफ़ी गंभीर है और जो गंभीर समस्या होती है उस समस्या को दूर करने के लिए समय भी लगता है। तो खालिस्तान का उनको दे दिया गया? देखिए कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इस मुद्दे को उछाल रहे हैं, लेकिन जो सही किसान है, किसान तो भारतीय जनता पार्टी में भी है, दूसरी पार्टियों में भी हैं, सही किसान जिसने इन नीतियों को समझ लिया वो इन नीतियों का समर्थन कर रहा है, और जो अभी नीतियों से अभिन्त है उनको इस नीतियों के बारे में जानकारी नहीं है, तो आस्ते आस्ते उनको भी इसकी जानकारी मिल जाएगी। मैं बताना चाहता हूँ कि जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने CA लागू किया तब भी विरोध हुआ, और काफ़ी कल्याणकारी नीतियाँ लागू की, कोई भी नया काम, कोई नीतियाँ लागू होती हैं तो समस्या आती हैं, लेकिन जब लोग उस समस्याओं को, उन नीतियों को समझ जाएंगे तो ये समस्या दूर हो जाएगी। क्या रास्ता नज़र आता है इसमें? नहीं देखो कहीं बैठक का दौर हो चुका है और काफ़ी सफलता मिली है, और एक दो बिंदु पर कोई बात अटकी हुई है उसको भी दूर कर लिया जाए। वापस भी ले सकते हैं सरकार? नहीं देखो वापस का मतलब ये नहीं है कि भाई इसको एक मुद्दा बना लिया, जो सरकार के सामने किसान अपनी समस्याएँ रख रहे हैं उनको दूर कर लिया जाएगा। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.